हाथ संभाल के मेहंदी खराब ना हो जाए वैसी ही साड़ी लेंगे जैसे पहले बुआ के लिए ली थी। ठीक है हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ, पहले तो फिजियोथेरेपी के लिए जाऊंगी और ज्योति का भी पैर दिखाऊंगी, फिर जाएंगे मार्केट, मार्केट में करेंगे शॉपिंग। और क्योंकि रक्षाबंधन पर बड़ी ननद आ सकती हैं तो उनके लिए लाऊंगी साड़ी पहले, और आगे घर पे आके बताएंगे। ठीक है अभी चलते हैं, ई रिक्शा देखते हैं और फिर तो आगे ई रिक्शा, चलो चलते हैं। फिजियोथेरेपी करा के हम मार्केट में पहुंच गए हैं। आज मैंने ज्योति को भी दिखाया था, जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे उनको, क्योंकि कई साल से इसके पैर में एक स्वेलिंग सी रहती है। इसको बहुत टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था तो इसको पैर में चोट लग गई थी तो वो स्वेलिंग रहती है। तो ये अभी आई हुई थी तो मैंने इनको दिखाया था, पूछा था ये सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था सही हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। टाइम ज्योति के पास है नहीं है। अब तो मार्केट में पहुँच गए हैं और मार्केट में मेहंदी वाले बैठे थे, मैंने ज्योति से पूछा ज्योति मेहंदी लगवाएगी, ज्योति ने कहा ठीक है लगवा लेते हैं। लेकिन ज्योति का भी देखो, बस उल्टे हाथ पे ही लगवाई थी और सीधे हाथ पे नहीं लगवाई थी, उसे सीधे हाथ पे पसंद नहीं है, उल्टे हाथ पे ही बस लगवाई थी। और मेहंदी के रेट आजकल इतने ज़्यादा थे, उल्टे हाथ पर ही उन्होंने 200 रुपये लिए, दोनों हाथ के 200 रुपये। लेकिन मेहंदी अच्छी लगी, बस पसंद आ जाए तो पैसे वसूल हो जाते हैं, है ना जी। और हम आज खास मार्केट में क्यों आए पता है, आज मैं लेने आई हूँ साड़ी, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो हर रक्षाबंधन पर मेरी बड़ी ननद तो आती हैं तो उनको मुझे देनी है साड़ी। आप लोगों ने पहले ब्लॉग देखा होगा, जब हमारे गांव में शादी हुई थी तब दो ननद आई थी तो उनके लिए मैंने कपड़े लिए थे, साड़ी और छोटी ननद को सूट लिया था। तो अब ये आएंगी, ये तब नहीं मैं ले पाई थी इनके लिए क्योंकि ये आई नहीं थी मेरे घर पर, और अब ये रक्षाबंधन पर आएंगी ना तो अब इनको दे दूँगी, तो तीनों को बराबर बराबर हो जाएगा, किसी के लिए दबाव नहीं रहेगा कि मुझे नहीं ली। तो ऐसे करके अब इसीलिए मैं ज्योति के साथ मार्केट आई कि ज्योति भी पसंद करवा लेगी, और जैसे उनको ली थी ना वैसे सेम मैं इनके लिए भी साड़ी ले लेती हूँ। तो अब साड़ियों की दुकान पर पहुंच गए हैं और पसंद कर रहे हैं साड़ियाँ, कलर वलर। इस दुकान पर अभी बैठे हैं ना, यहाँ पसंद नहीं आई थी, फिर हम जाएंगे दूसरी दुकान पर, वहाँ करेंगे पसंद उनके लिए साड़ी, जो भी पसंद आएगी ज्योति को भी मुझे भी तब वो साड़ी ली जाएगी। और आज मार्केट में बहुत भीड़ थी, भीड़ की वजह से जाम था, क्योंकि रक्षाबंधन है ना कल, तो सबको शॉपिंग करनी है, सब आज निकले थे बाजार में, तो बाजार में रौनक बहुत अच्छी थी, देखने ही लायक थी। और अब हम जाने लगे हैं दूसरी वाली शॉप पर, साड़ियों की शॉप पर, और वहाँ का आपको बताऊँ मैं क्या, एक साड़ी मुझे पसंद आई, एक साड़ी ज्योति को पसंद आई, अब ये कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सी ली जाए। मुझे जो पसंद थी वो ज्योति को नहीं पसंद थी, और ज्योति को पसंद थी वो मुझे भी पसंद थी, इसलिए फिर वो ली गई है। अब आपको अगले वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि हमने ली कौन सी है साड़ी। क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कौन सी पसंद थी और ज्योति को कौन सी पसंद थी? यहाँ पर दो साड़ियाँ अभी दिखाएंगे और उसमें से एक मुझे पसंद आई थी जो ज्योति को नहीं पसंद आई थी, और एक ज्योति को और मुझे, हम दोनों को ही पसंद आई थी। यहाँ ये एक ये लाल वाली अभी दिखा रहे हैं खोल करके, और एक ये हरी वाली। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए यहाँ वीडियो में देख करके कि मुझे कौन सी पसंद आई थी और ज्योति को कौन सी पसंद आई थी और हमने ली कौन सी होगी। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं। और ना हमारी बड़ी वाली ननद ना हर बार आती हैं,
वो जब तक आ नहीं जाती ना तब तक मन उदास सा ही रहता है, लगता है कोई त्यौहार है ही नहीं। रक्षाबंधन पे तो वो हमेशा हर साल आ ही जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं रहती, पास में ही रहती है, तो वो बेचारी चली आती हैं और हमें भी ना उनका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अच्छा भी लगता है कोई त्यौहार पर घर आए, और अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ना। और वैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, बहुत ही प्यारा त्यौहार है, और त्यौहार बनाए ही इसीलिए गए हैं कि एक दूसरे से मिल पाएँ, क्योंकि साल भर तो बहन बाहर अपने घर में ही रहती हैं, अपने ससुराल में ही रहती हैं, त्यौहार के बहाने बहन भाई से मिलती है, मायके में आती है, नहीं वैसे कोई नहीं आए, इसीलिए बहुत अच्छे सोच समझ कर ये त्यौहार बनाए गए हैं कि साल में एक बार नहीं दो बार तो कम से कम बहन बेटी अपने घर आए। और आज मार्केट में राखियों के दाम आसमान छू रहे थे। जो 10 रुपए की राखी मिलती होगी ना, उसके पैसे आज 100 रुपए बताए जा रहे थे। हमने राखियों के कई राखियों के हमने पैसे पूछे, ये कितने किया, तो उन्होंने कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई ऐसी राखी थी नहीं कि जो सस्ती मिल सके, मतलब नॉर्मल राखियाँ भी वो बड़े भाव में बिक रही थी। और आज घर से निकले हुए हमें बहुत टाइम हो गया, 2-3 घंटे तक फिजियोथेरेपी में गए, उसके बाद फिर मार्केट में आए, मार्केट का थोड़ा काम किया, फिर ज्योति ने मेहंदी लगवाई, मेहंदी भी लग गई आज, और हमने साड़ी भी खरीद ली, तो आज काम लगभग हमारे सारे बन गए। और फिर लौटते समय पिया बादाम मिल्क शेक, इसको पीकर जो जान में जान आई है ना कि पूछो ही मत।